नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक पेटेंट मेडिसिन पे बात करेंगे। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है जोंडिला फोर्ट। यह इधर इंग्लिश में लिखा हुआ आप देख सकते हैं जोंडिला फोर्ट, सिमिलरली इसी पे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है जोंडिला फोर्ट। दोस्तों, ये एक मेडिसिन कंपनी का प्रोडक्ट है और मेरे पास जो ये पैक है, इसकी ये जो 125 ml का पैक है और इसकी एज ऑन टुडे जो MRP है वो 100 rupees है। दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जॉइंडिस पे पीलिया में, और उसके अंदर जो मैंने आपको जॉइंडिस की या पीलिया की जो मेडिसिंस बताई थी उसके अंदर मैंने आपको इस मेडिसिन का नाम लिया था जोंडिला सिरप। वहां दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जॉइंडिस के अंदर जो जोंडिला फोर्ट है ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जॉइंडिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपका बॉडी का बिलीरुबिन लेवल बढ़ने लगता है। बिलीरुबिन एक पिगमेंट होता है दोस्तों, जो हमारे लीवर के अंदर बनता है। दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इन रेड ब्लड सेल्स की एक लाइफ साइकिल होती है ऑलमोस्ट 120 days। दोस्तों, उसके बाद के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स है लीवर में पहुंचते हैं, वहां इनका ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है और उससे एक पिगमेंट जनरेट होता है जिसका नाम है बिलीरुबिन, और ये बाइल के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रेट भी हो जाता है। लेकिन किसी भी कारण से, कोई भी डिजीज से, इन्फेक्शन से या अंदर और कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन से, जब इस बिलीरुबिन का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है और ये एक्सक्रेट नहीं होता है, तो ये हमारी बॉडी में जगह जगह येलो पिगमेंट के कारण येलो कलर देने लगता है। जैसे आपको पेशाब में यानी आपके यूरिन में येलोनेस फील कर सकते हैं, आप अपने स्टूल या मल का कलर जो है चेंज फील कर सकते हैं, स्किन में आप पीलापन फील कर सकते हैं, आपको आंखों के अंदर जो है स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट है वहां पे पीलापन देखना मिल सकता है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जॉइंटिस के। जॉइंटिस कैसे होता है यानी जो पीलिया और उसका क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके लिए अलग से मेरा आप जॉइंटिस वाला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, वहीं पर मैंने ये मेडिसिन आपको बताई थी कि जोंडिला जो है ये जॉइंटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके साथ मैं आपको बताऊँ कि जो जोंडिला सिरप ये ओवरऑल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये सिरप बेसिकली लीवर के लिए बनी हुई है। यानी आपके लीवर की कोई भी तरह से मेल फंक्शनिंग है, किसी भी कारण से अगर लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको जोंडिला जो सिरप है ये बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट देती है। उसके कारण आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट्स है वो ठीक होती है। दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम बात करें कि इसके जो मेडिसिन हैं उसके अंदर ही देखिए ऊपर अपन लिखते हैं कि मेडिसिन कहाँ काम आती है, तो जोंडिला फोर्ट इटसेल्फ पे मेंशनड है कि इट इज़ ए डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट विद बेनिफिशियल इफेक्ट एज रिस्टोरेटिव, रीजनरेटिव एंड प्रोटेक्टिव एजेंट इन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ हेपाटिक एंड गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स एंड इट एड्स डाइजेशन एंड इम्प्रूव योर एपेटाइट। इट एक्ट्स एज ए बेस्ट रिस्टोरेटिव टॉनिक इन जनरल कन्वल्सिस। उसी तरह से दोस्तों, अगर मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताऊं तो लिखा हुआ है कि ये एक अनोखा उत्पाद है जो यकृत संरक्षक तथा हाजमा टोनर का काम करता है। यानी आपके लीवर को ये रिस्टोर करता है, उसको शक्ति देता है, वापस अगर बीमार हो गया आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं करता है तो उसको वापस रिस्टोर करता है। उसी तरह से जब आपका लीवर कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहा है तो उससे जो रिलेटेड कंप्लेंट्स आएगी, जैसे कि ये कहते हैं कि भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, हाजमे की कमजोरी, पुराना कब्ज, गैस का बनना इत्यादि समस्याओं में विशेष लाभकारी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है जिसके कारण कि हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स इस प्रोडक्ट से मिलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला कंपोजिशन है कार्डूस मार। दोस्तों, कार्डूस को लीवर की एक स्पेसिफिक मेडिसिन माना गया है। यानी ये माना गया है कि जो कार्डूस है इसका लीवर के अंदर स्पेसिफिक एक्शन है और ये जॉइंटिस की स्पेसिफिक मेडिसिन मानी गई है। दोस्तों, खास करके वो लोग जिनको कहीं ना कहीं अल्कोहल लेने की आदत पड़ी हुई है या बियर वगैरह लेने की आदत पड़ी है और उसके कारण अगर जॉइंटिस होता है, इवन रूटीन के जॉइंटिस के अंदर भी कार्डूस को जॉइंटिस की स्पेसिफिक मेडिसिन माना गया है। दोस्तों, इसमें हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है करिका पपैया। दोस्तों, अगर हम करिका पपैया के सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर जो आपका कंजक्टिवा है यानी जो स्किन का व्हाइट पार्ट है, इसका कलर जो है वो येलो होने लग जाता है, आपको भूख लगनी कम हो जाएगी, आपको नोजिया एंड वोमिटिंग फील कर सकते हैं। उसी तरह से आपके जो लीवर और स्प्लीन इवन वो भी एनलार्ज होने लग जाता है और कहीं ना कहीं फीवर के सिम्टम्स भी आने लगते हैं। और उसी के साथ में जॉइंटिस की एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी गई है और इसका लीवर के ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों, इसमें हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है चेलिडोनियम माजिस। दोस्तों, चेलिडोनियम के अंदर आपकी जो राइट शोल्डर ब्लेड है यानी यहाँ पीछे के एरिया के अंदर लीवर के पीछे आप जो है पेन फील कर सकते हैं, आपको यूरिन के अंदर जो कलर है वो चेंज हो जाएगा जो कि जॉइंटिस का सिम्टम है। इसी तरह से आपको फेस पे या आईज का जो कलर है उसमें भी आपको येलोनेस देखने को मिलेगी, आपका स्टूल यानी जो मल है उसका रंग भी बदली हो जाता है और वो भी जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो जॉइंटिस में देखने को मिलते हैं और चेलिडोनियम के ये मेन सिम्टम्स है। तो ये मेडिसिन यानी लीवर पर बहुत अच्छी है और उसी तरह से जॉइंटिस की भी इसको एक बहुत अच्छी मेडिसिन माना गया है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है चियोनेंथस। दोस्तों, चियोनेंथस एक लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। इसके अंदर आपकी भूख कम हो जाएगी यानी आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगेगा, आपका लीवर एनलार्ज होने लगेगा, आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा और आपको ओवरऑल डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आने लगेगी।
दोस्तों इसमें हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एंड्रोग्राफिस। दोस्तों एंड्रोग्राफिस को लीवर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन माना गया है और ये जॉइंटिस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये ओवरऑल ही आपके लीवर के अंदर बहुत अच्छा वर्क देती है और इसको पर्टिकुलरली जो है हेपेटोमेगली या इन्फेंटाइल जॉइंटिस यानी अगर छोटे बच्चों के अंदर जॉइंटिस हो जाता है तो उसके अंदर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स माने गए हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्पेप्सिया है, जनरल डेबिलिटी है, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक हो गया तो उसके अंदर एंड्रोग्राफिस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स माने गए हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है मायरिका सेराफेरा। दोस्तों मायरिका एक जॉइंटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। इसका लीवर के ऊपर बहुत ही अच्छा एक्शन है। दोस्तों इसके मेन हम कुछ सिम्टम्स की बात करें तो आपको लीवर रीजन में एक डल पेन फील कर सकते हैं, आप पीछे शोल्डर रीजन में एक पेन फील कर सकते हैं, उसी तरह से आपकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो सकता है और यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है। दोस्तों ये हमने देखा जॉन्डिला का कंपोजिशन और किस तरह से इंडिविजुअल मेडिसिन के कुछ सिम्टम्स पर्टिकुलरली रिगार्डिंग टू जॉइंटिस से रिलेटेड में हमने डिस्कस किए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जॉन्डिला की क्या डोज होनी चाहिए। दोस्तों एडल्ट्स के अंदर इसकी जो डोज मेंशन की हुई है वो है 1 teaspoonful ट्वाइस ए डे बिफोर मील, यानी जो एडल्ट हैं व्यस्क हैं उनको एक चम्मच जो छोटे वाली चम्मच होता है उसको टीस्पून कहा जाता है और बड़े वाली को टेबल स्पून। तो आपको 1 teaspoon लेनी है ट्वाइस ए डे यानी दिन में 2 बार और वो आपको भोजन से पहले यानी मील से पहले। दोस्तों उसी तरह से छोटे बच्चों में जो इसकी डोज मेंशन की गई है वो है हाफ द अबव डोज यानी जो ऊपर की डोज है उसका हाफ यानी आपको हाफ टीस्पून दिन में 2 बार लेना है खाना खाने से पहले। तो दोस्तों ये हमने देखा कि जॉन्डिला का क्या कंपोजिशन है और मैंने आपको ब्रीफ करने की कोशिश की इंडिविजुअल मेडिसिन को कि किस तरह से वो लीवर के अंदर और पर्टिकुलरली जॉइंटिस में उसके क्या सिम्टम्स है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि जॉन्डिला जो है जॉइंटिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आपको जरूर लेना चाहिए। उसी तरह से इसके साथ बाकी जो मेडिसिन है वो सल्फर 200 से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। लाइकोपोडियम 200 को हमें दिन में एक बार सुबह सुबह लेना चाहिए और नक्सोमिका 200 को हमें रोज नाइट में सिर्फ एक डोज लेनी चाहिए। दोस्तों जॉइंटिस या पीलिया के लिए और डिटेल में जानने के लिए आप मेरा जॉन्डिस वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज मैंने आपको जॉन्डिला सिरप पे जो जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।